नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अतीक अहमद के पुत्र असद बा उसके साथी की उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यबल एसटीएफ के साथ झांसी में हुई मुठभेड़ में मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के पिछले 6 साल के कार्यकाल में हुई विभिन्न मुठभेड़ों में सूबे में 183 अपराधी मौत के घाट उतारे गए हैं। विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कथनानुसार 20 मार्च 2017 से राज्य में पुलिस मुठभेड़ों में 183 अपराधियों को मार गिराया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 20 मार्च 2017 से राज्य में 10,900 से अधिक पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 23,300 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया, 5,046 अपराधी घायल हुए और 183 अपराधियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। तो आइए अब सुनते हैं जनपद फर्रुखाबाद की खास खबर। जनपद फर्रुखाबाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133 जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह बा, अपर उप जिलाधिकारी एसओजी चकबंदी, प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट बा, विशेष कार्य अधिकारी के बाबा साहब की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर नमन कर जयंती मनाई। इसके साथ ही आवाज विकास स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा गोष्ठी कर बाबा साहब की जयंती मनाई गई। तो वहीं आवाज विकास स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में बाबा साहब की जयंती मनाई गई। शहर के दीना नगला स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों ने भी बाबा साहब की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई। तो वहीं आजाद समाज पार्टी कार्यालय चश्मई दरवाजा के पास जिला कार्यालय पर जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, नगर कमेटी के पदाधिकारियों ने बाबा साहब की जयंती मनाई। आपको बताते चलें कि हर वर्ग, हर समाज, सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों व आम जनमानस ने जिले के भर में बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। फर्रुखाबाद शहर में भव्य शोभा यात्रा निकालकर अनुयायियों ने बाबा साहब के खूब जयकारे लगाए। तो वहीं नवाबगंज में नगला जोधा में बाबा साहब की जयंती के अवसर पर बिना अनुमति निकाली गई शोभा यात्रा को पुलिस ने रोक लिया। इससे अनुयायियों व पुलिस के बीच काफी नोकझोंक हुई और अनुयायी धरने पर बैठ गए। पुलिस के काफी समझाने के 2 घंटे बाद 2 झांकी निकाली गई, जिसमें बाबा साहब के खूब गगनचुंबी नारे लगाए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।